हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप सभी लोग का वेलकम है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल लकी आर जमे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, यानी कि दोस्तों एक सीएससी वैली हो, या दोस्तों अगर आप सभी लोग एक इंडिविजुअल मैन हो, तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। पोस्ट पेमेंट बैंक का जो BC ID है वो मिलना फिर से स्टार्ट कर दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू जो आधार आईडी मिल रही है, यानी कि चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर मिला जा रहा है, यानी कि उसका आईडी मिला जा रहा है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। जिसके रिलेटेड दोस्तों यहां पे आप सभी लोग ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ट्वीट किया गया है, IPPB परिवार का हिस्सा बने। साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप सभी लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC ID ले लेते हो तो कौन कौन से सर्विसेज कर सकते हो, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसा कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल खाता सेवाएं, फंड ट्रांसफर, जीवन बीमा जैसे सर्विसेज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और भी एक ऑप्शन दिया गया है, और भी बहुत सारे सेवाएं आप सभी लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कर सकते हो। और भी बहुत सेवाओं का मतलब होता है दोस्तों आप सभी लोग आधार आईडी ले सकते हो, जिसमें कि दोस्तों आप बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो एंड किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से हाल ही में 1 या 2 घंटे पहले ट्वीट किया गया है एंड यहाँ पे बताया गया है, हमने सरकारी बैंक एजेंट के रूप में काम करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और लोगों के लिए प्रतिक्रिया के बहुत ही आसान और सुविधाजनक बना दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से 2023 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पे BC ID मिलना फिर से स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस आप सभी लोग यानी कि BC ID लोगे, उसमें दोस्तों आप सभी लोग को आधार सेंटर भी दिया जाएगा। आधार सेंटर दोस्तों आप सभी लोग को चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर का ID दिया जाएगा। अब दोस्तों किस प्रकार से आप सभी लोग BC ID ले सकते हो 2023 में, जो कि यहाँ पे ट्वीट करके बताया गया है कि सरकारी बैंक के साथ आप सभी लोग किस प्रकार से जुड़ सकते हो, जो कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। तो हो गया नोटिफिकेशन और अपडेट की क्या क्या नई अपडेट आई हुई है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। अब दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आप सभी लोग एक सामान्य व्यक्ति हो या दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, यानी कि CSEBLE हो, तो किस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग पोस्ट पेमेंट बैंक का BC ID ले सकते हो। एंड दोस्तों 2023 में जो नई प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, इसमें दोस्तों आप सभी लोगों से 1 भी रुपये नहीं लिए जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। एंड दोस्तों इसमें आप सभी लोग को 110% आप सभी लोग को आधार आईडी भी मिलेगा, यानी कि चाइल्ड आधार इनरोलमेंट सेंटर में भी आप सभी लोग काम कर पाओगे। किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होगी, किस प्रकार से आप सभी लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आप सभी लोग को जान लेना चाहिए। आप सभी लोग का दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो दोस्तों कम से कम 10वीं पास आप सभी लोग होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग के पास 10वीं का मार्कशीट, यानी कि दोस्तों आप सभी लोग के पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी लोग आधार आईडी लेना चाहते हो, यानी कि दोस्तों BC ID ले लेते हो, इसके बाद दोस्तों आधार आईडी लेना चाहते हो, उसके लिए दोस्तों आप सभी लोग के पास सुपरवाइजर का ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सभी लोग BC ID लेना चाहते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, इसके लिए दोस्तों IIBF सर्टिफिकेट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो भी आप सभी लोग के पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप सभी लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जिसके रिलेटेड दोस्तों आप सभी लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट, एक ऑप्शन मिल जाएगा नॉन IPPB कस्टमर एंड एक ऑप्शन मिल जाएगा आप सभी लोग का पार्टनर विथ अस। आप सभी लोग को एक बार इस पर क्लिक करना है, एक बार इस पर टिक कर देना है। इनका ऑप्शन आएगा, आप सभी लोग अपना मिस्टर मिसेज जो भी है आप अपने कैटेगरी के वाइज चूज करोगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना पूरा एड्रेस डालोगे, अपना सेकेंड एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे एंड नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ये आप सभी लोग को जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे आप सभी लोग को अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड के हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पे आप सभी लोग का पोस्ट ऑफिस सिलेक्शन होता है, तभी जाके दोस्तों आप सभी लोग को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का आईडी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग का जो सर्किल है, स्टेट है, वो ऑटोमेटिक किया जाएगा, आप लोगों को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्यों लेना चाहते हो इंडियन पोस्ट का BC ID, वो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग पूरा कमेंट कर दोगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, कैप्चर डालोगे एंड सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों जो भी आप सभी लोग का सर्विस रिक्वेस्ट है वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल टीम के पास सेंड कर दी जाती है। इतना करने से दोस्तों आप सभी लोग को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC ID बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये दोस्तों पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप सभी लोग को क्या करना है दोस्तों, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट वीडियो के शुरुआत में आप सभी लोग को बताया है, नियरेस्ट IPPB के जो हेड ब्रांच होते हैं वहाँ पर आप सभी लोग को जाना होगा एंड वहाँ पे आप सभी लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट को जमा देना होगा। जमा देने के बाद दोस्तों लगभग 1 महीने का वक्त लगता है,
एक महीने के बाद दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आप सभी लोग का जो BC ID है वो दे दिया जाएगा आप लोगों के ईमेल आईडी में। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग को अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बीमा के सर्विस कर सकते हो, बिल भुगतान कर सकते हो। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों आप सभी लोग को आधार आईडी लेना है, चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का आईडी लेना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू, तो वो भी आप सभी लोग को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है, लगभग दोस्तों आप सभी लोग को 4 महीने तक BC ID जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका BC ID में वर्क करना होगा एंड काफ़ी हाईली वर्क आप सभी लोग को करना होगा, जिससे कि दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल टीम है उन लोगों को पता चले कि आप सभी लोग जो BC ID लिए हो उसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग को अपने हेड ब्रांच में जाना होगा एंड वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट फॉर्म आती है आधार से रिलेटेड, आप सभी लोग को वो फिलअप करना होगा, अपनी क्वालिफिकेशन को फिलअप करना होगा एंड दोस्तों आप सभी लोग के BC ID के साथ चाइल्ड आधार एनरोलमेंट की ID को भी मर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं एक खास बात आप सभी लोग को बता दूं, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आप सभी लोग को कुछ पैसे की चार्ज भी लग सकती है जो कि दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आप सभी लोगों का लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक पूरा डिटेल्स था, साथ ही साथ दोस्तों किस प्रकार से IPPB से आधार सेंटर लेना है उसके रिलेटेड मैंने एक पूरा डेडिकेट एंड एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप सभी लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। जिन लोगों को IPPB का BC ID लेना है साथ ही साथ आधार ID लेना है उन लोग के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, आप सभी लोग को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC ID मिल जाएगा। मिलते दोस्तों और एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।